हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो के अंदर गाइज हम लोग बात करेंगे अपने कोबरा MP40 रिटर्न को लेकर। तो भाई इससे रिलेटेड ना आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि ब्रोकन भाई कोबरा MP40 कब रिटर्न आएगी, कब रिटर्न आएगी, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दो। तो भाई आप लोग बिल्कुल ही टेंशन मत लो, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपनी जो कोबरा MP40 है वो कब एंड कौन से इवेंट के अंदर रिटर्न आएगी। साथ ही में गाइज यहाँ पर बात करेंगे अपने वैलेंटाइन विश इवेंट के बारे में, और मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि भाई अपने गेम के ऊपर ना बहुत ही जल्द आप लोगों को एक मेगा इवेंट देखने को मिलेगा, जिस इवेंट के अंदर भाई काफी सारी M87 की स्किन आप लोगों को रिटर्न मिलने वाली है। तो भाई ये इवेंट किस तरह का रहेगा एंड ये इवेंट के अंदर कौन कौन सी M87 की स्किन रिटर्न आने वाली है, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और भाई इतना ही नहीं ही, मैं आप लोगों को यहाँ पर आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि अपना जो वन पंच मैन का कोलैबोरेशन है वो आप लोगों को कब रिटर्न मिलेगा एंड उसकी जो आइटम्स है वो सारी आप लोगों को कब रिटर्न मिलने वाली है, कौन से इवेंट के अंदर रिटर्न मिलने वाली है, उसका भी पूरा इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो जी हाँ भाई, आज की वीडियो मजेदार तो काफी ज्यादा होने वाली है, तो वीडियो को आप लोग जरूर से अंत तक देख लेना एंड पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। तो चलिए गाइस हम लोग बिल्कुल ही टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं आज के टू नाइट अपडेट की। तो भाई आज का अपना जो टू नाइट अपडेट है ना वो होने वाला है केओस की थीम पर। तो भाई अभी आप लोगों को पता होगा गेम के ऊपर केओस का इवेंट चल रहा है, तो उसी के थीम पर भाई आप लोगों को एक न्यू रिंग इवेंट आज के टू नाइट अपडेट के अंदर मिलेगा, जिसका फुल रिव्यू आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर भाई अपना केओस का जो मेन बंडल है वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो भाई बंडल का यहाँ पे आप लोग लुक देख सकते हो, काफी खतरनाक बंडल होने वाला है एंड इसके ऊपर एनिमेशन भी काफी तगड़ा करने वाले ने रखा है। तो भाई ये वाला बंडल आप लोगों को इस वाले रिंग इवेंट के अंदर मिलेगा। साथ ही साथ में गाइस यहाँ पर दो लेजेंडरी गन स्किन आप लोगों को मिलेगी, एक तो बिजोन की रहेगी जिसका आप लोग यहाँ पे फुल रिव्यू देख लो एंड भाई उसी के साथ में एक SC80 की भी लेजेंडरी स्किन आप लोगों को मिल जाती है, तो उसका भी आप लोग यहाँ पे फुल रिव्यू देख सकते हो। अब भाई देखो यहाँ पर ये वाले रिंग इवेंट के अंदर ना M40 की एक लेजेंडरी स्किन मिल जाती है, लेकिन भाई ये आप लोगों को इंडिया सर्वर के ऊपर ऑलरेडी मिल चुके हैं लक रॉयल के अंदर, तो ये तो आप लोगों को रिंग इवेंट के अंदर नहीं मिलेगी। इसकी जगह पर हो सकता है कि कोई और रिवॉर्ड आप लोगों को मिल जाए। तो भाई बाकी के ऊपर के जो तीन रिवॉर्ड है, बंडल, SC80 की स्किन एंड बी जोन, वो तो कंफर्म है, लेकिन जो चौथा रिवॉर्ड है वो यहाँ पर आई थिंक चेंज हो सकता है। तो ये होने वाला है गाइस अपना आज रात का टू नाइट अपडेट। कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। तो मैं आप लोगों को आज का टू नाइट अपडेट तो बता दिया, अभी यहाँ पे बात कर लेते हम लोग अपने कोबरा MP40 की कि वो कब एंड कौन से इवेंट के अंदर हम लोगों को रिटर्न मिलेगी। तो भाई देखो आप लोगों को बता होगा कल ही अपना न्यू ईवो वोल्ट चेंज हुआ है, जिसके अंदर भाई काफी सारी ईवो गन्स आप लोगों को रिटर्न मिली है, लेकिन भाई मुझे लगता था कि आप लोगों को MP40 है वो इसी वाले ईवो वोल्ट के अंदर मिल जाएगी, लेकिन भाई गरेना वालों ने यहाँ पर यहाँ पर जो इवो गन है उनको पूरा चेंज कर दिया है। तो अभी गाइस मेरे पास लीक आई है कि अपना जो नेक्स्ट इवो वोल्ट आएगा उसके अंदर 100% अपनी जो कोबरा MP40 है उसको आप लोगों को रिटर्न दिया जाएगा। तो नेक्स्ट इवो वोल्ट का आप लोग फुल रिव्यू यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस वाले इवो वोल्ट के अंदर गाइस आप लोगों को इवो AK रिटर्न मिलेगी, इवो MP40 मिलेगी, वुड पेकर मिलेगी एंड इवो फार्मस आप लोगों को रिटर्न मिलने वाली है। तो भाई ये चार इवो गन कन्फर्म हुई है जो कि आप लोगों को नेक्स्ट इवो वोल्ट के अंदर मिल जाएगी। तो अभी गाइस मैं आप लोगों को नेक्स्ट इवो वोल्ट का भी पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया, फुल रिव्यू करा दिया, तो अभी आप लोगों का कोबरा MP40 से रिलेटेड जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि वो कब एंड कौन से इवेंट के अंदर रिटर्न आएगी। खैर तो गाइस यहां पर अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं गाइस अपने वैलेंटाइन विश इवेंट के बारे में। तो जी हां भैया, अपने गेम के ऊपर आप लोगों को बहुत ही जल्द वैलेंटाइन विश इवेंट भी देखने को मिलेगा। अभी गाइस वैलेंटाइन इवेंट तो स्टार्ट होना बाकी है, लेकिन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में आप लोगों को वैलेंटाइन विश इवेंट देखने को मिलेगा। लेकिन भाई देखो यहां पर वैलेंटाइन विश इवेंट के अंदर ना जो वैलेंटाइन की पुरानी थीम आइटम्स है वही सारी आप लोगों को रिटर्न मिलने वाली है, क्योंकि इस बार का अपना जो 2024 का वैलेंटाइन इवेंट है उसके थीम पर सिर्फ 5 आइटम को डिजाइन किया गए, दो आप लोगों को बंडल मिलते हैं मेल फीमेल के एंड दो आप लोगों को यहां पर लेजेंडरी इमोट्स देखने को मिल जाते हैं और एक आप लोगों को लूट बॉक्स मिल जाता है। तो भाई ये जो पांचों आइटम है ना ये आप लोगों को मिलेंगे अलग इवेंट के अंदर, लेकिन भाई यहाँ पर जो वैलेंटाइन विश इवेंट आएगा उसके अंदर तो आप लोगों को सारी की सारी पुरानी आइटम ही रिटर्न देखने को मिलेगी। अभी गाइस यहाँ पर आप लोग फुल रिव्यू देख सकते हो, एक बार अपने गेम के ऊपर वैलेंटाइन विश इवेंट आ रखा है तो सेम ऐसा ही वैलेंटाइन विश इवेंट गाइस आप लोगों को इस बार भी देखने को मिलेगा, जहां पर भाई वैलेंटाइन की जो पुरानी आइटम्स है कुछ बंडल्स आप लोगों को मिल सकते हैं, कुछ यहाँ पे आप लोगों को इमोट मिल सकते हैं। तो इस तरह से गाइस आप लोगों को वैलेंटाइन विश इवेंट मिलेगा। अगर गाइस मुझे इसका ऑफिशियल बैनर मिलता गेम की फाइल के ऊपर से तो मैं आप लोगों को बैनर के साथ इसका जो कंफर्म डेट है वो बता दूंगा। अभी गाइस यहां पर वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएं एंड बात करें गाइस अपने होली इवेंट की। तो जी हां भाई, अपने गेम के ऊपर वैलेंटाइन इवेंट के बाद जो इवेंट आने वाला है वो है अपना होली इवेंट।
तो उसके थीम पर भाई काफी सारे यहाँ पर जो फ्री रिवर्स है वो आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो आप लोग फुल रिव्यू अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस यहाँ पर एक काफी कमाल का एक मेल बंडल आप लोगों को मिलेगा। तो जी हाँ भाई, ये जो मेल बंडल आप लोग देख रहे हो ना, इस बार के होली इवेंट के अंदर से हम लोगों को बिल्कुल ही फ्री में दिया जाएगा। और साथ ही साथ में गाइस यहाँ पर एक लेजेंडरी एमएचओबी की स्किन भी आप लोगों को मिल जाती है। तो ये भी गाइस हम लोगों को होली इवेंट के अंदर से दी जाएगी बिल्कुल ही फ्री में। और भाई साथ ही साथ में यहाँ पर दो और रिवॉर्ड होने वाले, एक तो आप लोगों को पिचकारी मिल जाती है। अब ये पिचकारी नहीं है लेकिन भाई ये बेट का स्किन होने वाला है। तो ये जो बेट का स्किन है ये भी हम लोगों को होली इवेंट के अंदर से फ्री में मिलेगा। और लास्ट में गाइस आप लोगों को एक लेजेंडरी इमोट देखने को मिल जाता है। तो भाई आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बंदा मतलब ना कलर छिड़केगा मतलब आप लोगों के टीममेट के ऊपर, तो काफी ओपी इमोट होने वाला है। ये चारों रिवॉर्ड गाइस आप लोगों को होली इवेंट के अंदर से बिल्कुल ही फ्री में दिए जाएंगे। एंड हाँ भाई, यहाँ पर आप लोगों की काफी ज्यादा कमेंट आ रही थी कि भाई अपना जो एल्यूसिव साउल बंडल है मतलब कि अपना जो व्हाइट चोटी वाला बंडल है वो कब एंड कौन से इवेंट के अंदर हम लोगों को रिटर्न मिलेगा। तो भाई देखो, यहाँ पर पिछली बार आप लोगों को होली के थीम पर अपना जो इल्यूजी सावल बंडल है वो मिला था मोको स्टोर के अंदर। तो भाई यहाँ पर काफी हाईली चांसेस है कि इस बार अपना जो होली इवेंट स्टार्ट होगा तब गाइस वापस से आप लोगों को अपना जो इल्यूजिव सावल बंडल है वो आप लोगों को मिल सकता है मोको स्टोर के अंदर। तो अभी गाइस आप लोग थोड़ा सा वेट करो, मुझे गेम की फाइल के ऊपर से इसका ऑफिशियल बैनर मिल जाएगा मोको स्टोर का, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इसका ऑफिशियल बैनर भी दिखा दूंगा एंड इसका कंफर्म डेट भी बता दूंगा। फिलहाल गाइस यहाँ पर 50% चांसेस आप लोग समझ सकते हो कि 50% चांसेस है कि होली के थीम पर अपना जो इल्यूजिव साउल बंडल है मतलब कि अपना व्हाइट चोटी वाला बंडल है वो आप लोगों को मिल सकता है। एंड एक बार भी मोको स्टोर के अंदर रिटर्न आ चुका है तो वापस से चांसेस है कि गाइस आप लोगों को मोको स्टोर के अंदर ये वाला जो बंडल है वो रिटर्न मिल सकता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, बाकी इससे रिलेटेड अगर मुझे कोई कन्फर्म अपडेट मिलेगी तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा। ठीक है, अभी तो चलो गाइस यहाँ पर वीडियो में हम लोग बात करें अपने एक न्यू इवेंट की जिसके अंदर भाई काफी सारी M87 की स्किन आप लोगों को रिटर्न मिलेगी। तो भाई पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन सी M87 की स्किन रिटर्न आने वाली है ये वाले वेब इवेंट के अंदर। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी जो विंटरलैंड वाली M87 की स्किन है ये आप लोगों को रिटर्न मिलेगी। उसी के साथ में गाइस अपनी जो रेपर अंडरवर्ल्ड वाली पिंक कलर की स्किन आप लोगों को मिल जाती है तो ये भी आप लोगों को इसी वाले वेब इवेंट के अंदर मिलेगी। प्लस भाई अपनी जो ट्रॉपिकल पेरेट M87 की स्किन है, जी हाँ भाई सबसे रेयर M87 की स्किन एंड सबसे फर्स्ट M87 की स्किन, वो भी आप लोगों को इसी वाले इवेंट के अंदर मिलेगी। और लास्ट में गाइस आप लोगों को यहाँ पर गोल्डन ग्लेयर वाली जो M87 की स्किन है ये भी आप लोगों को रिटर्न मिलेगी। तो भाई टोटल यहाँ पर 4 M87 की स्किन आने वाली है। अभी भाई जो वन पंच मैन के लवर होंगे वो मेरे से पूछेगी कि भाई यहाँ पर वन पंच मैन की स्किन नहीं आएगी, तो भाई देखो इस वाले वेब इवेंट के अंदर वन पंच मैन की स्किन आप लोगों को रिटर्न नहीं मिलेगी। वो कब मिलेगी मैं आप लोगों को अभी थोड़े आगे बताने वाला हूँ। तो भाई देखो यहाँ पर 4 M87 की स्किन का आप लोगों को एक इवेंट देखने को मिलेगा। अब भाई देखो यहाँ पर इवेंट है ना वो इस टाइप से भी हो सकता है जहां पर भाई आप लोगों को सारी की सारी M87 की स्किन ही रिटर्न देखने को मिलेगी। अब फालतू के रिवर्स भी हो गए वो तो आप लोगों को पता ही होगा, गरेना का जो इवेंट होता है उसमें फालतू के और टट्टी के रिवर्स ना हो ऐसा तो बन ही नहीं सकता। ऐसे इवेंट का गाइस लीक मेरे पास काफी समय पहले आया था लेकिन भाई ये जो इवेंट है उसको पोस्टपोन करा था गरेना वाले तब के टाइम पर, लेकिन भाई अभी वापस से लीक निकल कर आ रही है कि भाई आप लोगों को ये जो 4 M87 की स्किन है वो बहुत ही जल्द एक वेब इवेंट के अंदर रिटर्न मिलेगी। तो भाई यहाँ पे मैं आप लोगों को वेब इवेंट का पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया, अभी गाइस बस आप लोग वेट करो इसका ऑफिशियल बैनर आने का। जैसे मुझे गेम की फाइल के ऊपर से ये वाले वेब इवेंट का ऑफिशियल बैनर मिल जाएगा मैं आप लोगों को यहाँ पर वेब इवेंट का पूरा प्रे एक्सेस करके बता दूंगा एंड इसका कंफर्म डेट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि हाँ भाई इस डेट के ऊपर ये वाला जो वेब इवेंट है वो आने वाला है। तो आप लोग अपने अपने आईडी के ऊपर जो डायमंड्स है उनको सेव करके रख लो। बाकी भाई ये जो वेब इवेंट है उसके पॉसिबल चांसेस है कि मार्च मंथ के एंडिंग तक आप लोगों को मिल सकता है। तो अगर आप लोग ये 4 M87 की स्किन में से कोई एक M87 की स्किन को निकालना चाहते हो तो डायमंड सेव करके रख लेना, मार्च मंथ के एंड तक ये वाला जो वेब इवेंट है वो अपने गेम के ऊपर अवेलेबल करा दिया जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देन अभी तो चलो गाइस यहाँ पर आते हैं हम लोग अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर कि भाई अपना जो वन पंच मैन का कोलैबोरेशन है वो कब रिटर्न आएगा एंड उसकी जो सारी आइटम है वो हम लोगों को कौन से इवेंट के अंदर मिलेगी। तो भाई देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात समझा देता हूँ, अभी के टाइम पर काफी सारे ऐसे यूट्यूबर है जो कि आप लोगों को यहाँ पर डाइवर्ट कर रहे कि भाई वन पंच मैन का कोलैबोरेशन इस अपडेट के अंदर आएगा, उस अपडेट के अंदर आएगा, नेक्स्ट अपडेट के अंदर आएगा। तो भाई देखो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने वाला है भाई। देखो अगर गरेना वाले वापस से साइन करते हैं ना, रिटर्न कोलैबोरेशन करते हैं ना वन पंच मैन के साथ, तभी उसकी जो सारी आइटम है वो आप लोगों को रिटर्न मिलेगी। ऐसे भाई उसकी जो एक एक आइटम है, मान लो कि यहाँ पर वन पंच मैन की जो M87 की स्किन है वो गरेना वाले अगर चाहे तो भी आप लोगों को रिटर्न नहीं कर सकती है, क्योंकि भाई ये कोलैबोरेशन की आइटम है। आप लोग समझो कोलैबोरेशन की जो आइटम होती है वो दोबारा से जब भी गरेना वाले कोलैबोरेशन करते हैं ना
तभी आप लोगों को रिटर्न मिलती है। उसके अलावा किसी भी इवेंट के अंदर आप लोगों को वो अकेली आइटम कभी भी रिटर्न नहीं मिलती। ऐसा कॉन्सेप्ट भाई इंडिया सर्वर के ऊपर नहीं चलता, बाहर के सर्वर के ऊपर चलता है, लेकिन इंडिया सर्वर के ऊपर ऐसा जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। तो भाई जब भी गरेना वाले दोबारा से रिटर्न कोलाबोरेशन करेंगे वन पंच मैन के साथ, तभी उसकी जो सारी आइटम है ना वो आप लोगों को रिटर्न मिलेगी। एंड आई थिंक गाइस आप लोगों को ये जो सारी आइटम है ना वो मिल सकती है कुछ इस तरह से रिंग इवेंट के अंदर। तो जी हाँ भैया, इस तरह से आप लोगों को रिंग इवेंट मिल सकता है। अभी भाई देखो मैं आप लोगों को पॉसिबल चांसेस बता रहा हूँ, फ्यूचर में आप लोगों को इस तरह से जो रिंग इवेंट है वो मिल सकता है अगर गरेना वाले रिटर्न कोलाबोरेशन करते वन पंच मैन के साथ। तो भाई देखो फिलहाल तो मेरे पास कोई भी अपडेट नहीं है कि वन पंच मैन के साथ जो रिटर्न कोलाबोरेशन है वो गरेना वाले कब करेंगे। अगर गाइस मुझे फ्यूचर में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी या फिर मेरे पास कोई बैनर वगैरह निकल कर आएगा कि भाई रिटर्न कोलाबोरेशन होने वाला है गरेना के साथ, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, खुद से ही दे दूंगा। आप लोग उसके बारे में एकदम ही टेंशन फ्री हो जाओ। जैसे मुझे वन पंच मैन के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा। फिलहाल गाइस यहाँ पर मेरा वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ यही है कि भाई अभी के टाइम पर काफी सारे यूट्यूबर आप लोगों को मतलब ना इसे गुमराह कर रहे कि भाई वन पंच मैन की स्किन रिटर्न आएगी, उसकी आइटम रिटर्न आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है भाई। यहाँ पर जो वन पंच मैन की आइटम है वो सारी की सारी कोलाबोरेशन की आइटम है। तो जब भी रिटर्न से गरेना वाले कोलाबोरेशन करेंगे वन पंच मैन के साथ, तभी उसकी जो सारी आइटम है वो आप लोगों को रिटर्न मिलेगी। तो आई होप आप लोग थोड़ा सा मतलब समझ पाए होंगे कि भाई अभी के टाइम पर क्या चल रहा है फ्री फायर कम्युनिटी के अंदर। तो ऐसे भाई यूट्यूबर की बातों में आने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, जब मुझे कंफर्म अपडेट मिलेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस हम लोग इतनी अपडेट रखते हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो की सारी अपडेट, सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बाजू वाला जो बेल नोटिफिकेशन है उसे जरूर से प्रेस कर देना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।